उस कमी को हमसे ज़रूर शेयर करेंगे, जिससे जो है ना उस कमी को जो है हम दूर कर सकें। मेरे साथियों, इंसान को जब कोई उपलब्धि मिलती है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे पैर जो है ना ज़मीन पे नहीं आसमान पे हो गया हो, काफ़ी अंदर से खुशी होती है मेरे साथियों। चलिए, तो आप सभी विद्यार्थी आ जाइए लाइव क्लास में, सभी विद्यार्थी आ जाइए जो स्टूडेंट आ चुके हैं, प्लीज़ वो सभी जो है ना अपने जो है फ्रेंड सर्किल को इन्फॉर्म कर दीजिए कि सर आ चुके हैं, सबको मैसेज कर दीजिए प्लीज़ मेरे साथियों, सभी स्टूडेंट को बता दीजिए कि हाँ सर आ चुके हैं, किसी तरह से कोई ये नहीं है। चलिए बच्चों, मैं आ चुका हूँ, आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे घर पे। चलिए मेरे साथियों, मैं राज सर आप सबों का जो है ना आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स इज ईजी विथ रासर के क्लास में स्वागत करता हूँ तहे दिल से। और आप सब ईमानदारी पूर्वक मेरे साथ बने रहेंगे, कॉपी कलम रख लेंगे, तब मज़े से हम सब पढ़ेंगे। हम लोग जो है ना बैच जो है जीरो टू हीरो चल रहे हैं, रीजनिंग का सेक्शन चल रहे हैं मेरे साथियों, डायरेक्शन टेस्ट का जो है ना पार्ट फोर जो है ना आज फाइनल पार्ट चलने वाले हैं। मेरे साथियों, कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, उस चीज़ को जो है आपको ध्यान देना है। जैसे हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, आज प्रैक्टिस भी जम के करवाएंगे, प्रैक्टिस में भी जो है कोई कमी नहीं छोड़ेंगे मेरे साथियों। चलिए सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को, गुड मॉर्निंग ढेर सारा जो है ना गुड मॉर्निंग वाला बड़ा 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 गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सब आ जाइए। चलिए मेरे साथियों, यदि जो है हम लोग एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं आज, चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन चलेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है, वो जो है ए और बी एक दूसरे की ओर चेहरा करके बातें कर रहे हैं, सूर्योदय का समय है, सूर्योदय का समय है, ए की परछाई बी के पीछे बन रही है, तो बी की चेहरा किस दिशा में है। चलिए आप सब के लिए क्वेश्चन मेरे साथियों, चलिए आप सब ये बनाइए, किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बनाइए फटाफट जवाब दीजिए। चलिए ठीक, गुड मॉर्निंग, चलिए 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 मेरे साथ, आप सब बन गया, बहुत अच्छा, बहुत कुछ स्टूडेंट जवाब दिए हैं, अच्छा जवाब दिए हैं, कुछ स्टूडेंट का जवाब गलत है, और चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे हम सब बनाते हैं, समझिए मेरे साथियों, आपको पहले ही बताए हैं कि जब जो है जिधर से लाइट पड़ता है उसके अपोजिट छाया बनता है,
जिधर से लाइट पड़ता है उधर से उसके अपोजिट जो है ना छाया बनता है। जैसे सूर्योदय के समय है मेरे साथियों, सूर्योदय के समय में जो है मतलब पूर्व दिशा से लाइट पड़ेगा, तो पूर्व दिशा से लाइट पड़ेगा तो उसका जो है ना परछाई किधर बनेगा, पश्चिम दिशा की ओर। जब पश्चिम दिशा की ओर बनेगा, अब पश्चिम दिशा की ओर बन रहा है, पश्चिम में पीठ है मतलब पीछे बी के पीछे, तो पश्चिम बी पीछे कब होगा, जब चेहरा जो है ना पूरब की ओर हो तब। तो इसमें जो है देखिएगा बी के पीछे बन रहा है, आप अच्छी तरह जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा सूर्योदय में जो है ना पश्चिम, सूर्यास्त पूरब, सूर्योदय के समय पश्चिम बन रहा है, बनता है कौन, छाया। सूर्यास्त के समय जो है ना पूरब बनता है मेरे साथियों। तो कहने के मतलब बी के पीछे बन रहा है तो बी के पीछे अर्थात बी के पीछे जो है ना कौन दिशा है, पश्चिम। आप जानते हैं सूर्योदय के समय जो है ना पश्चिम दिशा में मतलब ये छाया बनता है, तो छाया किधर बन रहा है, बी के पीछे, तो बी के पीछे पश्चिम दिशा है, बी के पीछे पश्चिम है तो बी के आगे कौन होगा, बी का मुंह जो है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता रहे हैं, देखिए ए और बी आमने सामने बातें कर रहा है, आमने सामने बातें कर रहा है कौन, बी। तो इसका मतलब बी का चेहरा किस दिशा में हो, तो बी का पीछे पश्चिम, तो बी के आगे मतलब चेहरा कौन सा दिशा, पूरब। आंसर दैट्स ऑल, समझ में आया। चलिए फिर से एक बार, ठीक है देख लीजिए मेरे साथियों, पूरब सूर्योदय के समय छाया सदैव पश्चिम की ओर बनता है, सूर्यास्त के समय छाया सदैव जो है ना पूरब की ओर बन रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं परछाई बी के पीछे, तो देखिए तो बी के पीछे, यहाँ समझिएगा बी के पीछे सूर्योदय है, तो पूरब से जब लाइट पड़ेगा तो उसकी परछाई मतलब पश्चिम बनेगा, तो बी के पीछे मतलब परछाई बना, जबकि बन किधर है, पश्चिम। तो अब जानते हैं तो बी का उल्टा मतलब पश्चिम का उल्टा पूरब, तो बी के आगे कौन सा दिशा होगा, मतलब बी का चेहरा जो है ना पूरब, तो पूरब की दिशा में आंसर दैट्स ऑल। सपोज दैट यही बोलेगा, क्वेश्चन को यहाँ पे चेंज करें, चलिए बन गया सही ना। अब इसी क्वेश्चन को बनाइए बी के आगे बन रही है, तो जो है ना ए का बी का चेहरा किस दिशा में, चलिए आप सब बनाइए। चलिए बनाइए मेरे साथियों, मज़ा आ रहा है, बिल्कुल मुझे भी मज़ा आ रहा है मेरे साथियों, आपको भी मज़ा आ रहा होगा। चलिए देखिए, चलिए बनाइए, गुड, अच्छा जवाब, गुड। देखिए सभी स्टूडेंट जो है ना कमेंट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम होता है आंसर पूछते हैं, प्लीज़ गलत तो गलत सही तो सही, प्लीज़ सभी स्टूडेंट जो है ना ऐसा कीजिए। चलिए देखिए अब क्या करते हैं, जो एक सेकेंड, चलिए मेरे साथियों बनाते हैं। सबसे बी के आगे आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि सूर्योदय के समय छाया पश्चिम बनता है, जबकि बन कर रहा है बी के आगे मतलब पश्चिम, तो उसका चेहरा किस दिशा में, पश्चिम। आंसर दैट्स ऑल, आगे मतलब आगे दैट्स ऑल, किसी को दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, चलिए गुड कंप्लीट ना। अब इसी में जो है ना
हम सूर्योदय की जगह जो है ना सूर्यास्त कर दें, सूर्योदय की जगह ना सूर्यास्त कर दें, सूर्यास्त कर दें। चलिए अब इसी क्वेश्चन को बनाइए, कैसे बनाएंगे जो सूर्यास्त के समय जो है सूरज जो है ना पश्चिम दिशा में आ जाती है, अब पश्चिम से जो है ना वो लाइट मारता है, तो पश्चिम से जब लाइट मारेगा तो कौन सा दिशा में जाएगा? पूरब दिशा में। अर्थात परछाई सब किस दिशा में सीधे बनेगा? पूरब दिशा में मेरे साथियों। चलिए इसको आप कैलकुलेट कीजिए, देखिए बता देते हैं आप सबसे बन गया, गुड, थैंक यू थैंक यू। चलिए देखिए हम आप सबको बता देते हैं, सबसे पहले जो है ना ए की परछाई बी के आगे, तो बी के आगे, तो बी के आगे मतलब पूरब, बी के आगे मतलब पूरब, दैट्स ऑल। क्योंकि जो है परछाई पूरब में बनेगा सूर्यास्त के समय, तो बी के आगे पूरब मतलब बी का चेहरा पूरब की ओर, तो बी का चेहरा पूरब, तो ए का चेहरा पूछेगा तब, ए का चेहरा किस दिशा में? उल्टा है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में बैठा खड़ा है, एक दूसरे के आमने सामने बातें कर, देखिए एक दूसरे के ओर चेहरा करके, तो बी का चेहरा पूरब है तो ए का चेहरा पश्चिम, आंसर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों, इसी में जो है ना बी के आगे की जगह जो है ना बी के पीछे बोल दीजिए। अब आप बनाइए, अब बनाइए बनाइए फटाफट, किसी भी तरह से कोई भी विद्यार्थी जो है ना हतोत्साहित नहीं होंगे, आप बने रहेंगे। यदि आप कमज़ोर विद्यार्थी हैं तो श्योर मान लेना मेरे प्यारे भाई, आपको शेर बना के दम लेंगे, क्योंकि जो बीड़ा उठाए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विदाउट पेन बनवाने का, बनवाएंगे श्योर, बशर्ते कि आप सबका जो है ना प्यार सम्मान मिलता रहे मुझे। चलिए देखिए, बहुत अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं, गुड गुड। देखिए जवाब देने में कंजूसी नहीं कीजिए, जिस तरह से लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कुछ बनना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जिसे आप कुछ बनते हुए देखना चाहते हैं उसे भी शेयर कीजिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए बी के पीछे, तो बी के पीछे जो है ना कौन सा दिशा? पूरब, क्योंकि जो है ना परछाई सूर्यास्त में कहाँ बनता है? पूरब की ओर, तो बी के पीछे पूरब, तो बी का चेहरा क्या, बी के आगे क्या होगा? बी के आगे हो जाएगा पश्चिम, तो बी का चेहरा हो गया पश्चिम की ओर, तो ए का चेहरा क्या होगा? ए का चेहरा पूरब की ओर, ए का चेहरा क्या होगा? पूरब, आंसर। मेरे साथियों कंप्लीट ना, इस तरीका से आप बना सकते हैं इसको। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन बढ़ते हैं, मिटाएं इसको। तो देखिए एक टिप्स ही हम देते हैं, देखिएगा यहाँ पे जो है दोनों का दे देते हैं मेरे साथियों, चलो पहले मिटा देते हैं, देखिए भयानक है, वो टिप्से लिख देते हैं इसके लिए, परछाई से रिलेटेड प्रश्न के लिए, आपको जो है ना हमेशा हमेशा का टेंशन ही ख़त्म कर देते हैं। चलिए देखिए मेरे साथियों, सूर्योदय सूर्यास्त गुड मॉर्निंग। देखिए भाई आप सब बहुत सारे लेट से आ रहे हैं, प्लीज़ समय से आया कीजिए। यहाँ पे मुंह का दिशा परिछाई मुंह की दिशा परिछाई, चलिए देखिए
मुंह का दिशा पूरब, सूर्योदय के समय यदि मुंह पूरब में किए हुए ना तो आपका परछाई जो है ना, दो कंडीशन देखें, पश्चिम में बनेगा। जब आपका मुंह पूरब की ओर है तो परछाई तो सदैव जो सूर्योदय में जो है ले लेते हैं, सदैव। परछाई सदैव पश्चिम, दैट्स ऑल। परछाई सदैव पूरब। चलिए अब चलिए देखिए, परछाई तो सदैव पश्चिम बनेगा, यदि पूरब की ओर मुंह किए हुए हैं तो आपकी परछाई जो है ना पीछे बनेगा। यदि आपका मुंह पश्चिम की ओर है तो आपकी परछाई आगे बनेगी। यदि आपका मुंह उत्तर की ओर है, यदि आप उत्तर की ओर मुंह है, सूर्योदय के कंडीशन डीडी का दाया मतलब दक्षिण, तो उत्तर मतलब दाया मतलब दक्षिण, तो उत्तर मतलब बायां, बाएं, उत्तर किधर की ओर, बाएं की ओर। यदि ये दक्षिण की ओर है तो आपको क्या होगा, परछाई दाएं बनेगा, मुंह की दिशा से रिलेटेड। मेरे साथियों अभी सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। मेरे साथियों यदि मुंह की दिशा सूर्यास्त के समय पूरब की ओर है तो आपके आगे बनेगा, जस्ट अपोजिट हो जाता है। यदि पश्चिम की ओर किए हुए हैं तो पीछे बनेगा, यदि उत्तर है तो दाएं बनेगा, दक्षिण है तो बाएं बनेगा। मेरे साथियों ये आपका जवाब हो गया, जिसका मुंह ये हो उसी की परछाई, या जिसकी मुंह ये हो उसी की परछाई बनेगा, ऐसा। चलिए तो आप सब इसको जो है ना कंप्लीट कर लेंगे मेरे साथियों, कहीं भी किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मिटाते हैं मेरे साथियों, आप सबके दम पे मेरे साथियों पूरे बिहार में फैलना चाहते हैं, जो कि आपका सपोर्ट मुझे मिल रहा है। जहाँ भी कुछ भी कमी होगा मेरे साथियों बताएंगे, क्योंकि YouTube में नए हम हैं, इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। चलिए मेरे साथियों अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन होता है, यदि उत्तर पूरब को दक्षिण कहा जाए, उत्तर पूरब को जो है ना दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पूरब को पश्चिम कहा जाए, तो सूर्योदय किस दिशा से होगा। मेरे साथियों ये बहुत यूनिक सेक्शन, हालांकि इस पे बहुत लंबा होता है, हम शॉर्ट क्वेश्चन कर दिए हैं कि उत्तर पूर्व को दक्षिण नाम दे दिया जाए, दक्षिण पूर्व को पश्चिम नाम दे दिया जाए, तो जो है कहा जाए या नाम दे दिया जाए, नाम हो या नाम कर दिया जाए, नाम कर दिया जाए। अब बताइए सूर्योदय किस दिशा से होगा। अब मेरे साथी एक टिप्स बता रहे हैं आपको, देखिए आप जानते हैं ये डायग्राम, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट,
साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब मेरे साथियों ये देखिए, उत्तर पूर्व, देखिए एक क्वेश्चन लेंगे, बस एक क्वेश्चन, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व को क्या किया गया, दक्षिण, उत्तर पूर्व को दक्षिण लिखा गया, दक्षिण पूर्व को जो है ना पश्चिम लिखा गया। मेरे साथियों उत्तर पूर्व कहाँ है, तो उत्तर पूर्व आपका ये हो गया और दक्षिण का है यहाँ हो गया। मतलब कितने खंभा जाना है, देखिएगा अब कैसे चल सकते, एक दो तीस, तीसरा खंभा, तीसरा खंभा आगे, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, एक दो तीसरा खंभा आगे। मेरे साथियों कुछ नहीं करना है मेरे साथियों, बस जो है ना इसको क्या करना है कि इतना बस एक को लेंगे, क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन लिखिए, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व को क्या लिखा गया है, दक्षिण। अब खंभा देखिए कितना खंभा, प्लस तीन खंभा, आंसर क्या देना है, प्लस तीन खंभा करके, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से तीन खंभा प्लस, एक दो तीन, साउथ। तो आपका आंसर क्या निकालना है, पश्चिम, मतलब हो गया तो सूर्योदय, सूर्योदय तो पूर्व का होता है ना, तो पूर्व से तीन खंभा प्लस, तब पूर्व से तीन खंभा प्लस क्या होगा, एक दो तीन, साउथ वेस्ट, क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम, आंसर, आंसर। फिर हम लोग चलते हैं आगे की ओर, इसी क्वेश्चन में आप सब बनाइए, यदि घड़ी में 12 को साउथ ईस्ट, 3 को साउथ वेस्ट, 9 को नॉर्थ वेस्ट, देखिए 12 को साउथ ईस्ट, 3 को साउथ वेस्ट, 6 को नॉर्थ वेस्ट और 9 को जो है ना नॉर्थ ईस्ट कहा जाए, कहा जाए, तो 3 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी, किस दिशा में होगी। चलिए मेरे साथी अब बनाइए, घंटे की सुई किस दिशा में होगी, ये आप सब बनाइए। चलिए जवाब दीजिए मेरे साथियों,
चलिए मेरे साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए, कुछ नहीं करना है मेरे साथियों। देखिए आपको क्या करना है ना, सबसे पहले 12 को साउथ ईस्ट, आप जानते हैं 12 यहाँ होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 9 होता है, 12 को जो साउथ ईस्ट कर दिया जाए, मतलब नॉर्थ को, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं 12 को साउथ ईस्ट, कहने का मतलब नॉर्थ को साउथ ईस्ट कहा जा रहा है। नॉर्थ को साउथ ईस्ट मतलब कितना खंभा पॉजिटिव जा रहा है, देखिएगा कितना खंभा पॉजिटिव लेके चल रहा है। तो नॉर्थ को साउथ ईस्ट 1, 2, 3 प्लस 3 खंभा, तो प्लस 3 खंभा, बस आगे देखने की आवश्यकता नहीं है, आगे देखने की आवश्यकता नहीं है। तो 3 बजे, आप जानते हैं 3 बजे का समय जो है ना, ये कंडीशन का होता है, 1 घंटा वाला होता है। तो ये तो पूरब है, ये तो पूरब है, तो पूरब को जो है ना कौन से दिशा कहेगा, तो पूरब को प्लस 3 कर दीजिए, तो पूरब से प्लस 3 हो जाएगा 1, 2, 3, मतलब साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट आंसर, मतलब दक्षिण पश्चिम आंसर। मेरे साथ इस तरीका से जो भी क्वेश्चन देगा, जैसे एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं इस पे बनाने के लिए, देखिएगा जैसे सिंपल सा दे दें, ईस्ट को ईस्ट को नॉर्थ कहा जाए, ईस्ट को नॉर्थ कहा जाए, नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहा जाए, साउथ वेस्ट को साउथ ईस्ट कहा जाए, तो 9 बजे के समय में घंटे की सुई किस दिशा में होगी। चलिए बनाइए फटाफट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा स्टूडेंट का आंसर सही आ रहा है, देखिए कुछ स्टूडेंट का आंसर गलत आ रहा है ना, तो उसके लिए जो है ना प्लीज़ आप सब टेंशन नहीं लेंगे, उस सब ठीक हो जाएगा। चलिए देख, कुछ नहीं करना है मेरे साथियों, ईस्ट को नॉर्थ कहा जाता है, बस यहाँ देखिए ईस्ट को नॉर्थ कहा जाता है, मतलब जो है ना कितना -2 खंभा, तो -2 जिसका वैल्यू निकालना है, 9 बजे के समय को घंटा का सुई ये होता है, तो घंटा का सुई कौन सा दिशा, पश्चिम होता है, तो पश्चिम से जो है ना -2 कर दीजिए, तो पश्चिम से -2 कर दीजिए, 1, 2 मतलब क्या होगा, दक्षिण आंसर, दैट्स ऑल। इस तरीका से जो है ना आप सबों से क्वेश्चन बन जाएंगे मेरे साथियों। चलिए फिर कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए मेरे साथियों, सर सभी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ज़्यादा आ रहा है। चलिए देखिए अब आगे फिर बढ़ते हैं मेरे साथियों। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, कोई भी दिशा में कि कब जो है ना वही दिशा पुनः प्राप्त होती है, जैसे जो है ना हम लोग जो है, देखिए सिंपल से बता रहे हैं, हम जो है अभी आपके तरफ इस तरफ चेहरा किए हुए हैं, यही तरफ चेहरा जो है ना कितने बार पलटने के बाद आएगा, 1, 2, 3 देन 4, चौथा घूमने के बाद
भैया फिर देखिए, एक दो तीन देन चार, मतलब जो है चार पॉजिटिव घूम जाइए या चार नेगेटिव घूम जाइए मेरे साथियों, आपका आंसर सेम डायरेक्शन में आएगा। मतलब जो है ना, देखिए देखिए वही दिशा जिस दिशा में आपका मुंह है, चार दाएं या चार बार दाएं या चार बार बाएं घूमने पर प्राप्त होगा। बिल्कुल सही हो, जैसे जो है ना हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं मेरे साथियों, एक क्वेश्चन बिल्कुल चार बार दाएं घूमिए या चार बार जो है ना बाएं घूमिए मेरे साथियों, आपको जो है ना वही जवाब आएगा, सेम जवाब आएगा मेरे साथियों। चलिए इसको जो है एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, चलिए एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं मेरे साथियों, मिटाएं इस समझ गए, चार बार बाएं या चार बार दाएं घूमने के बाद हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, कौन पहले बनाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मेरा मुंह दक्षिण दिशा में है तो निम्नलिखित में से किस क्रम का चयन करें जिससे मेरे मुंह की दिशा परिवर्तन न हो। चलिए मेरे साथियों, पहला ऑप्शन दे रहे हैं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, एक और ले लेते बाएं। सेकेंड क्वेश्चन है बाएं, एक दो बाएं बाएं दाएं दाएं बाएं दाएं बाएं बाएं, दो चार छः आठ, सी कंडीशन दाएं 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 बाएं 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 दाएं दाएं। चौथा क्वेश्चन है दाएं बाएं बाएं दाएं दाएं बाएं बाएं दाएं बाएं बाएं दाएं दाएं। चलिए मेरे साथ ही बनाइए, दो चार छः आठ, आप सब के लिए क्वेश्चन फटाफट फटाफट आप सब बनाइए। जवाब दीजिए,
चलिए देखिए मेरे साथी, बहुत स्टूडेंट का जवाब सही आ रहा है। और देखिए आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जहाँ भी दिक्कत हो बेझिझक बोलिएगा। थैंक यू। चलिए देखिए मेरे साथी, अब कैसे बनाते हैं, जो कुछ नहीं दाएं मतलब कुछ नहीं करना है। देखिए बाएं दाएं कैंसिल, ज्यों का त्यों। आगे चलते हैं, बाएं दाएं मतलब टू बाएं। देखिएगा दाएं बाएं टू दाएं। चलिएगा दाएं बाएं बाएं दाएं। मेरे साथियों यहाँ पर लगता है कि जो है एक ज़्यादा लिख दिए होंगे, क्योंकि आंसर ए और डी, ए या डी, क्योंकि जो है ना दोनों में कुछ नहीं शेष बचा। जब कुछ नहीं शेष बचता है मतलब क्या, ज्यों का त्यों जीरो है। जीरो का मतलब क्या, ना दाएं घूमना ना बाएं घूमना है, मतलब इसका आंसर ए या डी। ए या डी में से कोई भी जो है ना स्टेप उठाएंगे तो हम जो है ना वही पहले वाला जो है दिशा में जो है ना पुनः आ जाएंगे। मेरे साथियों पहले वाला दिशा में पुनः आ जाएंगे, इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी विद्यार्थी को दिक्कत, चलिए मिटा दें इसको। चलिए मेरे साथियों अब आगे चलते हैं फाइनल की ओर। मेरे साथियों एक बात जान लीजिए, जब भी आप जो है दो टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें दूरी निकालना हो कि प्रारंभिक, पहला कंडीशन देखिए प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दूरी, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा। मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों जब भी आपको निकालना हो तो बगैर डायग्राम का नहीं बनेगा। मेरे साथियों बगैर डायग्राम का नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब डायग्राम बनाना सीखें। अब डायग्राम कैसे बनेगा समझिएगा, समझिए ये दोनों टाइप का जो क्वेश्चन है, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन में सदैव आपको जो है ना डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसे बनेगा समझिएगा, ये लेना है, ये लेना है 12 6 3 9। आप जानते हैं, सॉरी 3 9 मेरे साथियों, आप जानते हैं क्या जानते हैं, दाएं के मतलब पॉजिटिव और बाएं का मतलब नेगेटिव। सपोज दैट हम उत्तर दिशा में गए, उत्तर दिशा में, अब हम कितने पर आ गए 12 पे, हम कितने पर आ गए 12 पे। ऊपर क्या होता है 12, नीचे क्या है 6, हम 12 पे हो गए। दाएं घूमना है तो दाएं जो है ना मतलब पॉजिटिव होता है, तो दाएं मतलब पॉजिटिव, 12 से दाएं पॉजिटिव किधर 3 की ओर, तो 3 किधर इस दिशा में होता है, तो इधर घूमेंगे। अब बोलेगा बाएं घूम, अब हम कितने बिंदु पे आ गए 3 पे आ गए। यहाँ पे देखिएगा अब ये दिशा कौन सा है 3 की दिशा है, 3 पे आ गए। अब बोलेगा कि बाएं घूम, तो आप जानते हैं बाएं का मतलब निगेटिव होता है, तो निगेटिव मतलब उल्टा उल्टा चलेंगे तो 3 का निगेटिव क्या होता है 12, मतलब 3 के 12 पे चलेंगे तो मतलब क्या ऊपर की ओर जाना होगा, 12 ऊपर है तो ऊपर की ओर चल जाएंगे। अब बोलेगा पुनः जो है ना बाएं मुड़ना है, तो हम 12 पे हैं, 12 से बाएं मुड़ना मतलब निगेटिव, तो निगेटिव कहने का मतलब किधर की ओर 9 की ओर। इस तरीका से चलना है मेरे साथियों, अर्थात ये डायग्राम यदि आपके साथ है तो आपको मज़ा आ जाएगा। कंप्लीट ना, चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे देख लीजिए, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन एक लेते हैं, जैसे रमेश पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। देख हम डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं, पूर्व जो है ना 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चलने के बाद जो है ना वह दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चला, दाएं चला
8 किलोमीटर चला। उसके बाद जो है ना फिर बाएं मुड़ा, 5 किलोमीटर चला, बाएं 5 किलोमीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चला। अंत में बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चला, बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चला। अब वो किस दिशा की ओर, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है, कितनी दूरी पर, देखिए मेरे साथियों। सबसे पहले पूरब, तो यहाँ से लेंगे पूरब, तो ये दिशा होता है कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। हम जानते हैं कि 5 किलोमीटर से जो है 8 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा, तो बढ़ा लेंगे। दाएँ घूमा, हम सब कौन सा बिंदु पे हैं, 3 पे हैं। दाएँ मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब 3 के बाद 6 होता है ना, तो 6 कहाँ होता है, नीचे, तो नीचे कर चले, कितना चले, 8 किलोमीटर दाएँ चले और 8 किलोमीटर चले, फिर चले। अब हम किस पे हैं, 6 पे। अब क्या घूमना है, बाएँ, बाएँ मतलब निगेटिव, तो 6 से निगेटिव किधर जाएंगे, 3 की ओर, 6 से निगेटिव 3 की ओर, मतलब उधर, तो उधर कितना, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर गए। अब अंत में जो है फिर बाएं मुड़ना है, 3 पे हैं, बाएं मतलब निगेटिव, निगेटिव कहाँ जाएगा, 3 के बाद 12 पे, तो 12 कहाँ जाएगा, ये 8 किलोमीटर। अब इस बिंदु पे मेरे साथियों देखिए एक चीज़ और, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिनका आज पहला क्लास होगा तो पॉजिटिव निगेटिव में समझने में प्रॉब्लम हो रही हुई, क्योंकि इससे पहले 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास ऑलरेडी या चल चुके हैं या आज लास्ट क्लास है मेरे साथियों, तो प्लीज़ जो जिनका आज पहला क्लास है मेरा 1, 2, 3 जो है ना ज़रूर देख लेंगे, और आप कैसे देखेंगे मेरा टोटल वीडियो वहाँ पर होगा ही होगा। यदि किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम है तो हम इसका डिस्क्रिप्शन में जो है ना इसका लिंक दे देंगे, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए देखिए मेरे साथियों, अब जो है पहला कंडीशन, मूल बिंदु तो ये था, कितनी दूरी पे है, चलिए ये दूरी है, ये 8, तो ये 8, तो ये 5, तो ये भी 5 किलोमीटर हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 10 किलोमीटर। कितने दूरी पे है, 10 किलोमीटर, तो दूरी जो है 10 किलोमीटर। किस दिशा में, पूरब, ये जो है यहाँ से किस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सा है, पूरब, पूरब। अब किस दिशा में है, मतलब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, देखिए प्रारंभिक बिंदु से पूरब दिशा में। अब इसी क्वेश्चन को बोलेगा अपने मूल बिंदु पे वापस आने के लिए कौन सा दिशा में जाना होगा, तो यहाँ पे इसको मूल दिशा में आने के लिए, मूल बिंदु पे आने के लिए कौन सा, पश्चिम दिशा में। मूल बिंदु पर वापस आने के लिए, आने के लिए कौन सा दिशा अप्लाई करना पड़ेगा, पश्चिम दिशा में चलेगा मेरे साथियों, तब हो जाएगा, कोई दिक्कत, चले नहीं दिक्कत। फिर चलिए अगला क्वेश्चन फिर लेते हैं, हम सब समझेंगे। जिससे कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं मेरे साथियों, देखिए क्वेश्चन है, समझिएगा, डायरेक्ट लिखते हैं, परिणाम 10 किलोमीटर उत्तर दिशा, उत्तर गया 10 किलोमीटर, हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। उसके बाद जो है ना फिर दाएं घूमकर 10 किलोमीटर, दाएं 10 किलोमीटर, फिर हर बार बाएं घूमकर 5-5, हर बार बाएं घूमकर 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर चलता है। अब बताइए प्रारंभिक, प्रारंभिक बिंदु से दिशा एवं दूरी क्या होगी, चलिए आप सब बनाइए, तो जरा प्रारंभिक बिंदु से दिशा एवं दूरी जो है ना क्या होगी, प्रारंभिक बिंदु से दिशा एवं दूरी क्या होगी मेरे साथियों, चलिए आप सब बनाइए।
चलिए मेरे साथ ये बनाइए। चलिए देखिए हम आपको बता रहे हैं अब क्वेश्चन क्या लेना है। उत्तर 10 किलोमीटर समझिएगा, यहाँ से लेते हैं उत्तर 10 किलोमीटर जी गया, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे आ गया उत्तर कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। अब समझिएगा मेरे साथियों, अब कितने पे चला, 12 पे, दाएं घूमना है, 12 का मतलब 3 पे चला जाएगा, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ये भी 10 किलोमीटर चला गया, 10 किलोमीटर। अब हर बार बाएं घुमा है, बाएं मतलब नीचे, पहले जो है ना कितना किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर गया, पहले बाएं घुमा 5 किलोमीटर गया, फिर बाएं घुमा। अब मेरे साथियों आप देखिए कि जब जो है 6 पे बाएं मतलब निगेटिव, तो फिर 3 की ओर चल जाएगा, 3 पे गया कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ आ गया 15 किलोमीटर। एक बार और घुमा, फिर बाएं घूमना है और फिर बाएं घूमना है और कितना, 15 किलोमीटर, 3 पे बाएं मतलब जो है ना 9, चलिए सॉरी ऊपर और जाएगा, देखिएगा उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चला, यहाँ से चला उत्तर दिशा 10 किलोमीटर हो गया। अब जो है ना दाएं घुमा 10 किलोमीटर चला, दाएं घुमा 10 किलोमीटर चला। अब जो है ना बाएं हर बार घूमता है 5-5 किलोमीटर, देखिए यहाँ से बाएं घूमेगा तो ऊपर जाए, देखिएगा हम 3 पे आ गए, बाएं घूमने के मतलब 12 पे चल जाएंगे, ये हो जाएगा, ये 5 किलोमीटर हो गया। हर बार बाएं घूमना है मतलब अब जो है हम 12 पे, तो बाएं मतलब 9 पे 15 किलोमीटर, क्योंकि इससे तो बड़ा हो जाएगा ना, 15 किलोमीटर मेरे साथियों यहाँ पे चला है, फिर 15 किलोमीटर जाना है, तो देखिएगा बाएं घूमना है तो यहाँ पे 9 पे, 9 से 6 की ओर चले जाएंगे यहाँ, क्योंकि 5 है ये, 5 है, 10 है, 10 है, तो दोनों के इक्वल बड़ा, यहाँ से यहाँ चलाएगा, ये स्टार्ट है, ये लास्ट बिंदु है। चलिए मेरे साथियों अब जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है, दिशा एवं दूरी, प्रारंभ इससे कौन सा दिशा ये है, मतलब पश्चिम, कौन सा दिशा है, पश्चिम, कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे है, तो मतलब कितना दूर पे। अब समझने वाली बात है मेरे साथियों, ये 10 है तो यहाँ से यहाँ तक 10 हो जाएगी, तो बचा क्या, ये टोटल 15 है, तो ये 5, तो ये भी 5, तो 5 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर जो है ना पश्चिम दिशा की ओर। चलिए मेरे साथियों चलिए नोट कर लीजिए, चलिए आप सबों को समझ में आ गया होगा, इस पे ही चलना है मेरे साथ, दिमाग में बैठा लेना है, या फिर जो है ना अपने आप को उसके जगह पर रख के देखेंगे, दाएं चलना है दाएं किधर जाता है, बाएं चलना है बाएं किधर जाता है ना, ये आप पे डिपेंड कर जाएगा कि आप कैसे इसको करते हैं। चलिए फिर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन ले रहे हैं, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है मेरे साथियों, देखिए कौन एक क्वेश्चन ले रहे हैं,
एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में20 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है देखिए क्वेश्चन है कि 20 किलोमीटर चला और दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है फिर दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है और फिर दाहिने मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है फिर दाहिने मुड़ता है दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है फिर बाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है फिर बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चला एक बार पुनः बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है तो अपने ऑफिस पहुंचता है। मेरे साथियों अभी कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, कार्यालय से उसका घर किस दिशा में हो? नंबर दो क्वेश्चन, घर से कार्यालय किस दिशा में है? और जो है तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, घर से कार्यालय पहुंचने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? चलिए चौथा, घर से कार्यालय के बीच की दूरी क्या है? उसके बाद बोला जा रहा है एक और पांचवा क्वेश्चन, 15 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाला व्यक्ति घर से कार्यालय
पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा, कुल कितना समय लगेगा यदि वह प्रत्येक मोड़ पर 5 मिनट रुकता है, यदि वह प्रत्येक मोड़ पर 5 मिनट रुकता है। मेरे साथियों, ये आप सब के लिए जो है ना, ये होमवर्क दे रहे हैं, ये जो है ना आपको कंप्लीट करके आना है, ये क्वेश्चन जो है ना आपको कंप्लीट करके आना है, बिल्कुल बना के आएंगे इजी में बन जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप बनाएंगे और आसानी से बन जाएगी। चलिए, एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट सभी स्टूडेंट ले लेंगे मेरे साथियों, इसको बना के लेके आना है और कमेंट में जवाब दे देना है। चलिए, फिर अगले क्लास में जो है, जैसे कल जो हम क्लास लेंगे, इसको एक्सप्लेन कर देंगे। आप सबके लिए होमवर्क है। चलिए, एक क्वेश्चन लेते हैं। 2 किलोमीटर पूर्व को लेकर चलता है, देखिए, पूर्व 2 किलोमीटर चला, दाएं घुमा और 1 किलोमीटर चला, फिर बाएं घुमा 1 किलोमीटर चला, बाएं घुमा 1 किलोमीटर चला, अंततः बाएं घूमकर 5 किलोमीटर चलता है, अंत में बाएं 5 किलोमीटर चला, तो बताएं प्रारंभिक बिंदु से दूरी एवं दिशा क्या है, दूरी एवं दिशा क्या है। चलिए मेरे साथियों, ये आपको जो है क्वेश्चन दिया गया है। चलिए, हम इसको बता रहे हैं, पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर यहाँ से ले रहे हैं, स्टार्ट किया पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर गया, यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, दाएं घुमा 1 किलोमीटर चला, यहाँ से यहाँ तक आया 1 किलोमीटर चला, दाएं घुमा 1 किलोमीटर चला, क्योंकि ये 3 से 6 पे चलाया, फिर बाएं घुमा और 1 किलोमीटर चला, फिर ये बाएं घुमा और 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर चला, अंत में बाएं घुमा और 5 किलोमीटर चला, अंत में बाएं घुमा और 5 किलोमीटर चला, ये 5 किलोमीटर हो गया। अब बोला जा रहा है प्रारंभिक बिंदु से, अर्थात ये बिंदु जो है ना, ये कंडीशन क्या होगा। मेरे साथियों, इसको डॉट लाइन से मिला देंगे तो ये भी जो 1 किलोमीटर है, तो ये भी 1 किलोमीटर हो जाएगा, ये 2, 1, 3 किलोमीटर है, ये दूरी हो जाएगी। ये किस दिशा है, ये आप जानते हैं मूल बिंदु से किस दिशा में, तो आप जानते हैं ये ऊपर की दिशा उत्तर होता है, इधर की दिशा पूर्व होता है, तो ये दिशा क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। अब ये जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल हो गया मेरे साथियों, ये राइट एंगल ट्रायंगल में जो है कर्ण, तो आप जानते हैं कर्ण बराबर जो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का वर्गमूल। चलो, यहाँ पर जो है ना, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तो ये है, तो 1 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर ही बचा ना, ये 4 किलोमीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 किलोमीटर, तो ये दूरी जो हो जाएगा ना 5 किलोमीटर आंसर, अर्थात उत्तर पूर्व में कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। मेरे साथियों, बस मेरे साथियों, बस इतना ही रहने दीजिए आज भर, और आप सबों को जो है ना बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब जो है कंटिन्यू बने रहेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी लापरवाही करना इट में जो है ना बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। चलिए मेरे साथियों, मेरी और आपकी मुलाकात कल होगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबको जो है ना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए,
और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बस आज भाई इतना ही रहना, मेरी और आपकी मुलाकात कल होगी मॉर्निंग में 8 बजे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू मेरे प्यारे बच्चों। मेहनत करना है मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत से कोई समझौता नहीं करना है।